खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर है आपके लिए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को थप्पड़ मारने की बात कही तो बीजेपी ने भी ममता पर अब पलटवार कर दिया है। मोर्चा संभाला है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। सुषमा ने कहा है कि ममता ने हद पार कर दी है। सुषमा ने ट्वीट करके कहा है, ममता जी आपने सारी हदें पार कर दी हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कल आपको उन्हीं से बात करनी है, इसलिए बशीर बद्र का एक शेर याद दिला रही हूं, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये निशाना लगाया है ममता बनर्जी ने। देखिए ट्वीट आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, सुषमा स्वराज ने क्या ट्वीट करके ममता बनर्जी को नसीहत दी। उन्होंने लिखा है, ममता जी आपने सारी हदें पार करनी है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कल आपको उन्हीं से बात करनी है, ये बोला है, ये बोला है सुषमा स्वराज ने और इसलिए बशीर बद्र का एक शेर भी याद दिला रही हूं। सुषमा स्वराज ने ट्वीट में ये शेर भी लिखा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज ने जिम्मा संभाला है ममता बनर्जी पर निशाना साधने का। आखिर ममता बनर्जी ने कहा क्या था, पूरी बात क्या थी, वो भी आपको एक बार सुनवाते हैं। এবং তাই নরেন্দ্র মোদি যখন বাংলায় এসে বলে মমতা ব্যানার্জির দল তোলাবাজ, তখন শুনলে আমার মনে হয় বিঠাসি একটা ভালো করে গণতন্ত্রের ঠাকুর। सुना आपने ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जिस तरह से निशाना साधा उसके बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है और सुषमा स्वराज ने कमान संभाली है और उनको नसीहत तक दे डाली है।